क्वेश्चन नंबर वन में हमको दिया गया है दो नंबर्स का रेशो 11:7। अगर उन नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर है वो 700 है तो लार्जर नंबर क्या होगा, हमको यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये रेशो दिया गया है ना लार्जर नंबर का स्मॉलर नंबर का, सबसे पहले इसको राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं लार्जर नंबर, ठीक है, लार्जर नंबर रेशो स्मॉलर नंबर। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही क्यों राइट किया लार्जर नंबर रेशो स्मॉलर नंबर, मैं इसको ऐसे भी तो राइट कर सकता था स्मॉलर नंबर रेशो लार्जर नंबर, ठीक है। ये मैंने इसलिए राइट किया है पहले लार्जर नंबर क्योंकि यहाँ पे जो पहला रेशो है वो बड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा लार्जर नंबर का रेशो होगा। तो लार्जर नंबर रेशो स्मॉलर नंबर, तो ये कितना है, ये है यहाँ पे 11 और स्मॉलर नंबर का है यहाँ पे 7, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है उसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया स्मॉलर नंबर, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर है 700, तो राइट कर लेते हैं लार्जर नंबर, ठीक है। तो लार्जर नंबर क्या होगा, देखिए लार्जर निकालना है तो इसलिए जो लार्जर का रेशो है वो आएगा ऊपर और ये आएगा स्मॉलर का नीचे, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे स्मॉलर नंबर है उससे, ठीक है। तो 700 तो कट जाएगा यहाँ पे ये 100 पे और ये आ जाएगा 11 एंड यहाँ पे ये 00, तो इसलिए हमारा जो लार्जर नंबर है वो होगा 1100।